क्रिकेट का प्रारंभिक इतिहास 16वीं सदी के इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। यह खेल सबसे पहले दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खेला गया था। सबसे पुराना संदर्भ 1550 के दशक का है, जब इसे बच्चों के खेल के रूप में खेला जाता था। 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट बड़े लोगों के बीच भी लोकप्रिय होने लगा। 1611 में क्रिकेट के नियमों का पहला उल्लेख मिलता है, जब इसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज किया गया था। 18वीं शताब्दी में क्रिकेट ने एक संगठित खेल का रूप ले लिया। 1744 में क्रिकेट के पहले आधिकारिक नियम लिखे गए। इसी समय के दौरान हेम्बल्डन क्लब का गठन हुआ, जिसने क्रिकेट को एक संरचित खेल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक क्रिकेट एक प्रमुख खेल बन गया था, और इसके प्रसार के साथ साथ इसमें कई सुधार और बदलाव भी होते रहे। क्रिकेट का प्रारंभिक इतिहास इसके विकास की कहानी है, जिसने इसे एक वैश्विक खेल बनने की दिशा में अग्रसर किया। पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 15 से 19 मार्च 1877 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इसे द एशेज की शुरुआत माना जाता है, जो आज भी क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज में से एक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ग्लोबल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है। यह 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में शुरू हुई थी, और बाद में 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और अंत में 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC में बदल गई। ICC का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय लेवल पर रेगुलेट और मैनेज करना है। क्रिकेट का आगमन भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों ने क्रिकेट को भारत में खेलना शुरू किया। सबसे पहले 1721 में सूरत में ब्रिटिश नाविकों द्वारा क्रिकेट मैच खेलने का रिकॉर्ड मिलता है। 1830 के दशक में बॉम्बे में पारसी समुदाय ने अंग्रेजों को क्रिकेट खेलते देखा और इस खेल में रुचि लेना शुरू किया। 1848 में पारसी समुदाय ने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की, जो भारत का पहला क्रिकेट क्लब था। इसने अन्य भारतीय समुदायों को भी प्रेरित किया और धीरे धीरे क्रिकेट देश भर में फैलने लगा। 1877 में पहले आधिकारिक तौर पर दर्ज क्रिकेट मैचों का आयोजन हुआ। 1911 में भारतीय टीम ने पहली बार इंग्लैंड का दौरा किया। हालांकि उस समय टीम को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन यह भारतीय क्रिकेट के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ने का एक बड़ा कारण था 20वीं शताब्दी के मध्य में रेडियो का आगमन। क्रिकेट मैचों की रेडियो पर लाइव कमेंट्री ने इस खेल को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय बना दिया। 1950 और 1960 के दशकों में जब टीवी हर घर में नहीं था, रेडियो ही एकमात्र माध्यम था जिससे लोग लाइव क्रिकेट कमेंट्री सुन सकते थे। इससे क्रिकेट का क्रेज बढ़ा और यह जन जन तक पहुंचा। पिछले 6 रेडियो पर लाइव कमेंट्री सुनने का अपना ही मजा था। कमेंटेटर्स की जीवंत वर्णन शैली ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे खुद स्टेडियम में मौजूद हों। 1980 के दशक में जब टीवी सेट्स आम होने लगे, दूरदर्शन ने क्रिकेट मैचों का प्रसारण शुरू किया। इससे लोग पहली बार विजुअल माध्यम से क्रिकेट का आनंद ले सके। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस समय यह जीत टीवी पर देखना लाखों लोगों के लिए यादगार पल बन गया। 1982 में एशियाई खेलों के दौरान भारत में रंगीन टीवी का आगमन हुआ। इसके बाद क्रिकेट मैचों का रंगीन प्रसारण शुरू हुआ, जिससे क्रिकेट का मजा कई गुना बढ़ गया। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1983 में आया, जब कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता। इस जीत ने पूरे देश में क्रिकेट को एक नई पहचान दी और युवाओं में इसे लेकर जुनून पैदा हुआ। 1990 के दशक में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस दशक में भारत ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की और टेस्ट क्रिकेट में भी मजबूती से उभरा। 2000 के दशक की शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह जैसे नए सितारे उभरे।
2007 में धोनी की कप्तानी में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। इस जीत ने क्रिकेट के नए फॉर्मेट को लोकप्रिय बनाया। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की शुरुआत हुई। इस लीग ने क्रिकेट में ग्लैमर और पैसे की बाढ़ ला दी। दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने लगे और भारत क्रिकेट का केंद्र बन गया। IPL ने क्रिकेट को एक नए स्तर पर पहुंचाया और इसे फैंस के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। 2010 के दशक में BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया। भारतीय क्रिकेट की सफलता, IPL की कामयाबी और स्पॉन्सरशिप ने BCCI को बहुत मजबूत बना दिया। साथ ही भारत में 4G इंटरनेट के विस्तार और सस्ते इंटरनेट की वजह से IPL को लाइव स्ट्रीमिंग पर देखा जाने लगा। इससे T20 क्रिकेट को करोड़ों लोग फ्री में देखने लगे और क्रिकेट का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर बढ़ गया। ईयर 2024 में खेले जाने वाले IPL टूर्नामेंट में 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। IPL के हर प्लेयर को ऑक्शन में फ्रेंचाइजेस के लिए साइन किया जाता है और फिर टीम्स को बनाया जाता है। दिस ईयर IPL टूर्नामेंट फीचर्स 10 टीम्स कम्पीटिंग 74 मैचेस फ्रॉम द 22nd ऑफ मार्च टू द 26th ऑफ मई 2024। ये टूर्नामेंट्स भारत की 13 सीरीज में खेले जाएंगे, विद चेन्नई होस्टिंग द ओपनिंग सेरेमनी एंड द फाइनल। इसके बाद जून 2024 में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसको वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट कर रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर।